चुका है। रिपोर्ट देखिए। तो तस्वीर देखिए यहाँ पर, जहाँ पर पुल की स्थिति काफी दयनीय आप और इसके बाद इस ओवरब्रिज पर हुए हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश ने एक आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि इस आदेश के तहत सभी जिम्मेदार अधिकारियों को तलब किया गया है कि वो अपने अपने क्षेत्र के जर्जर व अन्य सेतु मार्गों की जांच करें और जांच को ही प्रेषित करें सरकार को। और हम मौजूद है रायबरेली के सई नदी पुल पर, और ये आपको बताता चलूं, ये ओवरब्रिज लखनऊ और प्रयागराज का रायबरेली से गुजरने वाला, शहर से गुजरने वाला एकमात्र ऐसा पुल है कि अगर ये टूट जाता है या कोई भी अन्य अनहोनी हो जाती है तो ये मार्ग पूरी तरह ठप हो जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पे आवागमन होता है, ये तस्वीरें साफ हैं कि लगातार यहाँ से बड़े बड़े वाहनों का गुजरना देखा जा सकता है। और पुल की हालत से अगर आपको रूबरू कराऊं तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जर्जर हालत में ये पुल देखा जा सकता है। धर्मेंद्र जी, ये पुल क्या लगता है, पुल की हालत ठीक है? पुल की हालत भैया आप लोगों ने देखा है क्या प्रदूषण है, इसकी गड़बड़ हालत है पुल की, जिसको कई बार मरम्मत कराया जा चुका है लेकिन अच्छे तरीके से नहीं, बस एक काम चलाओ काम करा दिया गया है इसको। और इसमें बहुत बड़ी दुर्घटना भी होने के चांसेस हैं। आप देख रहे हैं कितने बड़े बड़े वाहन इससे हैं और सब और स्कूल की बसें वगैरह भी दूर से जाती है। वक्त दे दिया गया सड़कों को दुरुस्त करना होगा और आज खुद मंत्री पहुंचे थे निरीक्षण के लिए विभाग में, होने के कैसे निर्देश और खामियां जो मिली उसके बाद जवाब नहीं। क्या माना है आपको का दौरा करते हैं और अपनी तरफ से जारी होकर जाने के लिए आपको अगर जाना है तो कम से कम 20 किलोमीटर घूम के आपको जाना पड़ेगा। 20 किलोमीटर घूम के जाना आपको घूम के जाना पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। अखिल श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, रायबरेली।